नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों के बारे में। तो नंबर 10 पे है वॉरेन बफेट, जो कि शेयर बाजार की दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, और वो बर्कशायर हैथवे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है और सबसे बड़े शेयर धारक हैं। वर्तमान समय में इनके पास $102 बिलियन की संपत्ति है। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 7 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इनका नाम दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में आता है। नंबर 9 पे है स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है। स्टीव बॉलमर की कुल संपत्ति $105 बिलियन से ज्यादा हो गई है। दौलत की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले वे दुनिया के 90वें व्यक्ति बन गए हैं। नंबर 8 पर है लैरी एलिसन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन विश्व के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास कुल संपत्ति $106 बिलियन है, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल करती है। इसके अलावा ये अमेरिका के 41वें सबसे बड़े आइलैंड के मालिक भी हैं। सर्गेई ब्रिन भी गूगल के को-फाउंडर हैं और अमीरों के लिस्ट में ये 7वें स्थान पर मौजूद हैं। इनकी कुल संपत्ति $121 बिलियन है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बनाता है। ब्रिन ने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को दुनिया की दिग्गज कंपनी बनाया। आज गूगल बहुत लंबे समय से दुनिया के टॉप सर्च इंजन कंपनी पर बनी हुई है। नंबर 6 लैरी पेज। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल के संस्थापक लैरी पेज के पास इस समय कुल $126 बिलियन की संपत्ति है, जो इन्हें दुनिया का 6ठा सबसे अमीर आदमी बनाता है। गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील कर यूट्यूब को खरीदा था। इसके अलावा गूगल ने अन्य कई सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनसे इन्हें काफी कमाई होती है। नंबर 5 बिल गेट्स। बिल गेट्स अमीरों की लिस्ट में अभी 5वें स्थान पर बने हुए हैं। इनके पास अभी कुल संपत्ति $128 बिलियन है, जो इन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बनाता है। बिल गेट्स कोई पहचान की मोहताज नहीं है। कुछ साल पहले तक गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। इनकी मुख्य आय का स्रोत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके ये संस्थापक हैं। इसके अलावा गेट्स ने कई सारे अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे रिटेल, साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग। नंबर 4 पर है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की बदौलत मार्क जुकरबर्ग को आज कौन नहीं जानता। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मार्क जुकरबर्ग अभी कुल $132 बिलियन के मालिक हैं। इन्होंने फेसबुक को फरवरी 2004 में फाउंड किया था। इसके अलावा मार्क ने साल 2012 में इंस्टाग्राम और साल 2014 में व्हाट्सएप को अरबों की डील करके खरीद लिया था, और आज ये इन सभी कंपनियों से अरबों कमा रहे हैं। नंबर 3 बर्नार्ड अर्नोल्ट इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि वे इस साल पहले स्थान पर भी पहुंचे थे, लेकिन शेयरों में गिरावटों के कारण इन्हें नुकसान हुआ। ये एक फ्रेंच इन्वेस्टर और LVMH चेयरमैन और CEO है। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति $193 बिलियन है। LVMH एक लग्जरी ब्रांड है, जो कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि घड़ी, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम आदि बनाती है। जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस इस वर्ष के बीच तक पहले स्थान पर बने हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के दूसरे सबसे व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $197 बिलियन है। अमेजन को इन्होंने साल 1994 में फाउंड किया था। शुरुआत में इनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। तो नंबर 1 पर हैं इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क।
इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल संपत्ति $289 बिलियन है, यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए। इनकी कंपनी टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है और फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक कारों का ही है। इसके अलावा इनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स है, जो कि स्पेस यात्रा को आसान बनाने के लिए काम करती है। तो आपको ये दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरें हम रोज़ाना अपडेट करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।